तो भाई रैपिडो में ये मेरे पास राइड आई है, अक्रम, अक्रम नाम आपका? हाँ जी। हाँ, अक्रम भाई का। तो मुझे सिर्फ ना एक दो सवाल आपसे पूछना है। ओला छोड़कर रैपिडो क्यों बुक कर रहे हो आप? अक्रम भाई, सारे भाइया ने तो जैसे बताया था भाई, आज मैं तो जा रहा हूँ वृंदावन, और रात में एक बुकिंग और आ गई थी, तो उसमें एक खेकड़ा से एक भाई बुलाया, शामली से ये आया है, तो ये लेके जाएगा रामपुर। रामपुर की एक सेम डे की ट्रिप है, उस पर जा रहे हैं ये। और अपना तो आपको पता ही है भाई, वृंदावन की ट्रिप है अपनी। आज ओस तो है नहीं और कोहरा भी थोड़ा कम है, जितना कल था उतना कोहरा है नहीं। और 9:30 बजे मेरे को निकलना है, तो भाई करते रहेंगे बात आपसे बीच बीच में, तो मिलेंगे पिकअप लोकेशन पे पहुंच के। सेक्टर 49 से मेरा पिकअप है गुड़गांव से। तो भाई गुड़गांव जाना था, जैसा आपको पता ही है सेक्टर 49 से पिकअप था मेरा, मगर भाई उससे बीच में एक बुकिंग आ गई है मेरे पास पटेल नगर से मोतीबाग के लिए, तो उसी तरफ मुझे जाना है, तो लेकर चलते हैं भाई पैसेंजर को। और पैसेंजर के पिकअप लोकेशन पे मैं पहुंच चुका हूं, जैसे ही आते हैं तो बैठा के चलेंगे मोतीबाग। 8:25 हो गए हैं, 10 बजे के आसपास का मेरा पिकअप है, तो आराम से पहुंच जाएंगे। और इस 200 रुपये में गैस पानी का खर्चा निकल जाएगा भाई, बाकी एग्जैक्ट कितना अमाउंट बिल है वो मेरे को आइडिया है नहीं, पर शायद 200 रुपये दिखाया था। करते हैं बात भाई, पैसेंजर आ जाएं एक बार, ड्रॉप करके जो बिल बनेगा बताऊंगा आपको। तो भाई रैपिडो में ये मेरे पास राइड आई है, अक्रम, अक्रम नाम आपका? हाँ जी। हाँ, अक्रम भाई का। तो मुझे सिर्फ ना एक दो सवाल आपसे पूछना है, ओला छोड़ कर रैपिडो क्यों बुक कर रहे हो आप? कम फेयर दिखाया है उसमें रैपिडो में, तो यही एक रीजन है फेयर वाला। तो कोई ना कोई रीजन तो है, जब ही तो रैपिडो बुक किया ना आपने। और उबर, उबर, उबर भी चेक किया था आपने? नहीं, उबर नहीं चेक करा, उबर में फेयर ज्यादा दिखाते हैं। और एक और मैं ज्यादातर पैसेंजरों से भाई बात करता हूँ ना, तो वो बताते कैंसिलेशन का इशू ओला में बहुत ज्यादा कैंसिल करता है ड्राइवर राइड। जी, हाँ जी। तो ये कितने दिन से यूज कर रहे हो आप रैपिडो? रैपिडो मेरे को अभी हफ्ता ही हुआ है, यानी कि अभी तो लॉन्च ही हुई है महीने के आसपास, तो यानी कि हफ्ते से आप ठीक है, बाकी कंपनियों से ठीक है। हाँ। तो ओला, उबर और रैपिडो तीनों में से कौन सी बेस्ट है अभी हाल फिलहाल? फिलहाल तो रैपिडो बढ़िया है। चलो ठीक है, ड्रॉप हो गया भाई पैसेंजर का, 176 बिल इसमें बना है पैसेंजर का, और अभी ड्रॉप कर दिया है मैंने। टाइम हो गया है 9:03, मुझे जाना है सेक्टर 49, जो यहाँ से दिखा रहा है 45 मिनट, 10 बजे का मेरा पिकअप है। तो भैया नो राइट नो वेटिंग, ओनली सेक्टर 49 पहुँचते हैं अभी, और पहुँच के पिकअप करके निकलेंगे मथुरा वृंदावन। कार्ड गर्मियों के लिए बांटेंगे क्या? यही है क्या? हाँ। ये छठी कला है? ये अंदर को मुड़ गई गाड़ी। कौन सी गाड़ी? बड़ी वाली छठी कला मोड़ है ना, ये छठी कला मोड़ आ गया ना अंदर, ये माता रानी की वो आती है ना बड़ी सी, फोटो आएगी तो खुला हुआ ना, यानी कि आज ये तो इसके आगे बंद होता है। तो भाई पहुंच गए हैं वृंदावन, 12:25 पे CNG डल चुकी है ड्रॉप करने के बाद पैसेंजर का। रास्ते में कोहरा तो था मगर इतना नहीं था भाई जितना 2-3 दिन से पीछे चल रहा था, तो आज तो नॉर्मल अच्छा करीब 200-300 मीटर का व्यू था, कोई इश्यू था नहीं। और बाकी ड्रॉप कर दिया पैसेंजर को, अब गए हैं भाई अपनी तो एंट्री जहाँ तक होती है, आप सबको पता ही है जो भी मेरे वीडियो देखते होंगे, इसके बाद तो पैसेंजर को खुद ही जाना पड़ता है। वो चले गए हैं और जैसे एंट्री ओपन हो जाएगी तो मैं भी चला जाऊंगा, क्योंकि भाई ये है 2 दिन का ट्रिप, ये सेम डे का ट्रिप नहीं है, इसमें रात भर यहाँ रुकना है, कल यहाँ से निकलेंगे वापस दिल्ली के लिए वाया बरसाना होते हुए। तो बताऊंगा आपको भाई टोटल 2 दिन की ट्रिप में कमाई खर्चे टोल से टैक्स पार्किंग कितना लगता और कैसे कैसे से ये ब्लॉग पूरा होता है, तो करेंगे आपसे हर बार इस बारे में बात, तो बने रहना भाई ब्लॉग में आखिर तक। भाई शाम के 5 बज गए हैं, 4:50 और आज कुछ आपको बताने के लिए है नहीं आज के वीडियो में, क्योंकि कहीं गए नहीं है भाई, बाकी देखते हैं। 7:30 हो गए हैं भाई और सर्दी चरम सीमा पे एकदम जबरदस्त भाई, मैं तो खड़ा हूँ वहीं पे जहाँ सुबह आ गए, सुबह तो क्या दोपहर थी, और वैसे आजकल दोपहर तो कुछ है नहीं, जहाँ सुबह मैं खड़ा हुआ था आके वहीं पे अब
अभी देखो कब तक एंट्री खुलेगी। आज तो भाई दिन में एंट्री खुल है इन्होंने, जैसे ही एंट्री खुल जाएगी तो भाई वीआईपी पार्किंग करके एक जगह है बाकी बिहारी टेम्पल के पास, वहां पहुंच जाऊंगा। बोल तो रहे हैं भाई 10 बजे के आसपास खुलेगी एंट्री, तो देखते हैं खुलेगी या नहीं खुलेगी, करूंगा आपको अपडेट, बने रहना है आखिर तक। जबरदस्त ठंड का मजा लेते हुए सुबह के बज गए हैं 4 और मैं उठ के हो गया हूँ रेडी। सुबह अभी 8 बजे के आसपास निकलना मथुरा के लिए, जन्मभूमि जाएंगे पहले, उसके बाद जाएंगे भाई बरसाना। तो ठंड तो है ही खतरनाक लेवल की, पर क्या कर सकते हैं भाई, ठंड भी कम मौसम के भी मजे लेने हैं। और मैं अभी हूँ भाई श्री प्रेमानंद जी महाराज के आश्रम केलीकुंज के ठीक सामने, वहाँ प्रवचन की आवाज़ भी आ रही है। तो आजकल महाराज जी के बड़े चर्चे हैं और बड़ा ज्ञान बांट रहे हैं महाराज जी, बहुत बहुत ज़बरदस्त क्रेज़ है महाराज जी का। तो भाई मैं भी इनको फॉलो करता हूँ इंस्टाग्राम पे, यूट्यूब पे, तो बड़े अच्छे विचार महाराज जी के रहते हैं। जो भी है भाई, ये मेन गेट है, ये उनके कार्यकर्ता मानो, भक्त मानो, श्रद्धालु मानो बैठे हुए हैं। और ये सुबह 3 बजे से महाराज जी का प्रवचन स्टार्ट होता है और 7:30 बजे से चलता है। तो चलते हैं भाई, अभी चाय पानी देखते हैं यार, अपना तो अंदर एंट्री है नहीं, यहाँ एंट्री के लिए सुबह 9:30 बजे टोकन लेना पड़ता है, तब जाके रात को 3 बजे एंट्री हो पाती है। हमारी तो भाई गाड़ी तक की भी एंट्री नहीं है वृंदावन में। चलो देखते हैं भाई, अब मिलते हैं आपसे 8 बजे के आसपास। सुबह के 8:30 हो गए हैं भाई, अपना चाय पानी ब्रेकफास्ट सब हो गया है, मगर पैसेंजर का अभी तक कोई अता पता नहीं है कहाँ है। एक दो बार मैंने कॉल भी किया था मगर अटेंड नहीं किया था, क्योंकि उन्होंने 8 बजे बोला था निकलने के लिए और 8:30 से भी ऊपर का टाइम हो चुका है। देखते हैं अभी कब तक आएंगे। अभी भाई आज 29 दिसंबर 2023 ब्रज की भूमि में ब्रज के रज पे रजे हुए हैं, देखो कब तक यहाँ से निकलते हैं, तो करूँगा आपको अपडेट। तो भाई टाइम हो गया है 10:30 और अभी निकलने का हुआ है प्रोग्राम, अभी टाइम बचा नहीं है तो अभी सीधा जाएंगे बरसाना। इसमें जन्मभूमि हो गया है भाई कैंसिल, अब जन्मभूमि नहीं जाया जाएगा, क्योंकि अगर जन्मभूमि गए तो बरसाना राधा रानी का टेंपल हो जाएगा बंद, जो कि पैसेंजर को जाना है जरूरी राधा रानी के टेंपल। तो चलो निकलते हैं भाई, अभी थोड़ा ही आश्रम में रुके थे पैसेंजर, तो लस्सी वगैरह यहाँ पे गौशाला थी तो वहाँ से लस्सी ले रहे और फिर अपना पहुँचते हैं बरसाना। वो नहीं मिला, कितनी सुंदर भाई सेवा ढाबा जो जेवर टोल वालों का है, उस सेवा ढाबे पे आए हैं अभी बरसाना जाते हुए रास्ते में। तो वृंदावन से ठीक 8-10 किलोमीटर की दूरी पे है भाई, और इसको तो सब पहचानते ही हैं, चाय के लिए बड़ा फेमस है, पुराना जेवर टोल पार करते ही जो सेवा ढाबा है ये उनका है, मामा यादव वाला नहीं है, उनका है। तो यहाँ पे भी भाई आप गाड़ी लगा सकते हो, ठीक ठाक हिसाब किताब इधर भी। बाबू जी ने 1 तार की कह दी मालिक साहब, और बता चाचा और पीछे कीर्ति मंदिर है ये तो अंदर से देखा हुआ तो है अंदर से जो नहीं कहा ना प्रेम मंदिर वालों का ही मुझे लगता है ये बाद में बना होगा ये तो ना ये तो अभी बना है हाँ वो तो पहले से ही है बहुत पहले से है तो ये बना है बाद में। भाई 12:30 और हम पहुंच गए हैं बरसाना राधा रानी की दरबार में। अभी देख पैसेंजर चले गए भाई, बाइक से गए हैं ऊपर क्योंकि सीढ़ियाँ पड़ती हैं, 250-300 सीढ़ियाँ होती हैं। तो अगर जो नहीं पैदल चलना चाहते हो भाई बाइक ले सकते हैं, 50 रुपये लेते हैं बाइक वाले, और शायद बाइक पे गए तो जल्दी आ जाएंगे और मंदिर भी बंद होने का टाइम हो चुका है, फिर यहाँ से चलेंगे भाई सेक्टर 49 गुड़गांव, लास्ट में करेंगे आपसे
हर चीज के बारे में अपडेट, कितना खर्चा, कितना टोल, कितना टैक्स, हर चीज के बारे में बताऊंगा आपको। तो बने रहना भाई ब्लॉग में लास्ट तक। भाई दिखाई तो देगा नहीं यार, कोहरा है। वैसे ये है राधा रानी का दरबार, राधा रानी का मंदिर बरसाना। वैसे करता हूँ ना ट्रांसफर, तो इन पे है नहीं ना वो सिस्टम। अच्छा, कोई नहीं। हे राम हे प्रभु। मम्मी पानी पीने? नहीं मैंने पी लिया, तो अपना वाला पानी पी लिया। गरम ये काम कल सुबह से कितना गरम रहेगा। अच्छा नहीं कहीं ये लो। हां ला, मेरा ये काम मेरा अच्छा हो गया। फिर पकड़ो जी पकड़ो। जय हो। क्या एक रात आए अगली सुबह चले गए, इसे माइकिया ना कहते हैं। तो भाई बुकिंग का एंड हो गया आखिरकार दो दिन में। सुबह 10 बजे कल 28 दिसंबर को हुआ था पिकअप सेक्टर 49 गुड़गांव से, और ड्रॉप हो गया है आज 30 दिसंबर 5:30 बजे। तो मगर 1 घंटा मेरे को लग गया सादीपुर तक आने में। तो भाई इस बुकिंग के बारे में अगर बात की जाए तो इस तरीके से, अगर मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना की राउंड ट्रिप आपके पास आती है तो इसमें गाड़ी आपकी चलेगी 400 किलोमीटर, और जिसमें गैस आपकी खर्च होगी करीब 1200 रुपये के आसपास, टोल लगेगा 600 रुपये, स्टेट टैक्स लगेगा आपका 120 और 200 और 100 MCD 320 लगेगा आपका स्टेट टैक्स। तो ये खर्चे तो इसमें भाई बढ़ेंगे। किराया आप 10 रुपये किलोमीटर लेते हो या 12 रुपये किलोमीटर लेते हो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, और दो दिन की है तो भाई 500 किलोमीटर की लिमिट इसमें चलेगी। गाड़ी चाहे आपकी 300 किलोमीटर चले या 490 किलोमीटर चले। और घुमाने का तरीका ऐसा भाई, सीधा वृंदावन लेके जाना होता है पैसेंजर को, और वृंदावन में गाड़ी एक पॉइंट है रुक्मणी विहार करके, उससे आगे आपकी गाड़ी नहीं जा पाएगी। वहाँ गाड़ी लगा दो, पैसेंजर बैटरी रिक्शा में जाएंगे या उनका और कोई उनको व्यवस्था करनी है तो उससे वो जा सकते हैं। हाँ, दिन में 1 बजे के बाद और रात को फिर 9 बजे के बाद सारे गेट खुल जाते हैं, आप जहाँ भी पैसेंजर है वहाँ गाड़ी लेके जा सकते हो राउंड ट्रिप वाली में, दो दिन वाली में। अगर सेम डे की है तो हो ही नहीं पाएगा ये वाला सिस्टम, तो पार्किंग में ही पैसेंजर को वापस आना पड़ेगा। तो रात में भाई जहाँ भी पैसेंजर रुके हैं, होटल है, धर्मशाला है, वहाँ पर आप रुको। सुबह लेके जाओ जन्मभूमि, जो कि मंदिर 5:30 बजे ओपन हो जाता है, वहीं पर द्वारकाधीश टेम्पल भी है, मगर उसकी टाइमिंग का थोड़ा सा ना इश्यू रहता है, कभी वो किस टाइम ओपन होता है, कभी कब बंद हो जाता है, वो मुहूर्त के हिसाब से चलता है। वहीं पे विश्राम घाट है भाई यमुना जी का, वहाँ पे लेके जा सकते हो। फिर वहाँ से सीधा गोवर्धन, ये अगले दिन, पहला दिन तो टोटल वृंदावन में ख़त्म हो जाना है। अगला दिन है आपका सीधा वहाँ से 20 किलोमीटर पड़ेगा आपको गोवर्धन। गोवर्धन में अगर परिक्रमा करेंगे पैसेंजर तो भाई 2 घंटे उनको बैटरी रिक्शा में परिक्रमा के लगेंगे, और फिर परिक्रमा करके जब वापस आ जाएंगे तो वहाँ से 20 किलोमीटर पड़ेगा बरसाना। बरसाना में मंदिर ओपन होता है शाम को 4:30 बजे, तो 4:30 बजे जैसे ही दर्शन करके जाएंगे करीब ये मान के चलो 1.5 घंटा पैसेंजर को लगने वाला है, 6 बजे के आसपास वो आएंगे। तो 6 बजे वहाँ से आप निकलते हैं तो 9 बजे के आसपास दिल्ली में वापसी होगी। ये होगा 2 दिन की ट्रिप का भाई सिस्टम है, मथुरा वृंदावन गोवर्धन बरसाना। तो इस ट्रिप में इस तरीके से आप काम कर सकते हो, और पैसेंजर को अपना जो रेट है वो आप बता सकते हो। खर्चे इसमें जैसे मैंने बता ही दिया है, 1200 रुपये की CNG, 600 रुपये का टोल, 320 रुपये का स्टेट टैक्स, ये मान के चलो 2000 रुपये के आसपास इसमें आपके खर्चे होंगे। और जो आपकी मेहनत है वो तो है ही, और आपकी गाड़ी का जो खर्चा और है वो तो है ही, मगर जो एक जेन्युइन ही खर्चा जो लगना है ये तो लगेगा ही लगेगा। तो भाई इस वाली बुकिंग में मैं तो कहीं इतना गया नहीं था, पहले तो मैं भाई पार्किंग में खड़ा रहा था, उसके बाद रात को चला गया था जहाँ पे आश्रम था, तो वहीं पे बस छोटे मोटे क्लिप आपके साथ जो मैंने शेयर की है, तो कहीं इसमें इतना आना जाना नहीं था। हाँ, आते वक्त शिवा ढाबे पे ब्रेकफास्ट किया था, और वाया बरसाना होते हुए मैंने गुड़गांव ड्रॉप किया है पैसेंजर को। तो भाई कैसा रहा ये मेरा व्लॉग बताओ जरा कमेंट करके, और पसंद आते हैं तो भाई लाइक शेयर कमेंट कर दो कार्रवाई, और मिलते हैं भाई अब कल नए व्लॉग में, नए वीडियो में, नए सवारियों के साथ। जब तक अपने भाई विक्की खत्री को दो इजाजत, सारे भाई ना भाई राम राम, जय हिंद जय भारत।